हेलो दोस्तों, आज हम कुर्ते की कटिंग बताएंगे आपको। ये वर्क वाला सूट है तो इसमें कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो पहले हम आगे की स्लीव कटिंग करेंगे। तो ये जो वर्क वाला है इसको बीच सेंटर में करना है आपको। गला भी बीच सेंटर में होना चाहिए। ये हमारा बीच है, यहाँ पे रख लो ऐसे। तो कुर्ते की लंबाई है हमारी 40 इंच है, तो 40 में भी 3 इंच और जोड़ना है। ये 40 लंबाई हो गई, 3 इंच जोड़ लो, 43 हो गई। 43 इंच की लंबाई लेनी है हमें पहले। ये 43 इंच हो गई, यहाँ पे निशान लगा दूँ। गले का कुर्ता बनाएंगे। इसके लिए हमें पहले शोल्डर लेनी है आपको 6.5 इंच, 6.5 पे निशान लगा दो। फिर आर्म होल लेनी है आपको, 7 इंच रख लो। और जो कुर्ते का सीना है वो 34 इंच का है, 34 का चौथा हिस्सा करेंगे, 8.5 हो गई। फिर 8.5 में आपको 2.5 इंच और जोड़ना है, 11.5। ये देखो आप, 8.5 हो गए। ये इसमें आपको 2.5 इंच जोड़ना है, तो 1, 2 और ये 11.5 इंच हो गई हमारी। तो ये 11 इंच ले लो आप, ये 11 ले लो। फिर हम चाप के निशान लगाएंगे, जो नीचे चाप बनाते हैं वो लगाएंगे हम 13 इंच पे। ये 13 ले लो आप, 13 और 13 का आधा करेंगे तो 6.5 हो गए। ये 6.5 हो गए, तो इस निशान से हम 1 इंच कम करेंगे। यहाँ से 11 इंच लिए थे तो यहाँ से हम 10 इंच लेंगे। यहाँ से गोलाई बनती है सूट की, 10 हो गई। फिर यहाँ से वापस 11 इंच ले लो आप, और हम बाद में कटिंग कर लेंगे। तो इनको ऐसे मिला दे, तैयार इंच थी हमारी लंबाई। इंच टेप को यहाँ से आपको पकड़ना है, यहाँ पर रखना, ज़्यादा तिरछा नहीं करना, ज़्यादा सीधा भी नहीं रखना, यहाँ तक कर दो आप। जो आर्म होल की गोलाई करेंगे ना वो 1 इंच की करेंगे आगे से। ये 1 इंच है यहाँ पे, ये निशान लगा दो। अब इसकी कटिंग करेंगे। आगे का हिस्सा कटिंग किए हैं, क्योंकि वर्क वाला सूट रह गया, दोनों साथ में नहीं काट सकते। फिर यहाँ से आप कट लगा दो। ये 13 इंच का कट का निशान हो गया। पीछे के हिस्से की कटिंग करेंगे। इसको फोल्ड करो ऐसे। ये जो आगे वाला हिस्सा है इसको ही रख लो आप। पीछे आगे के हिस्से में 1 इंच की गोलाई किए थे, तो आगे के में पीछे के में 1.5 इंच की करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप निशान लगा लो।
इसका गला बनाएंगे पेस्टिंग से। ये देखो आपको गला भी काटना बता दिए। इसे आपको फोल्ड करनी पड़ेगी पेस्टिंग को। तो पहले आगे के गले की लंबाई लेंगे हम। तो यहाँ से आप 8 इंच रख लो पूरी पेस्टिंग, 2.5 इंच गले की चौड़ाई लो। इसे गला ना तो ज़्यादा बनता है ना कम बनता है, मीडियम अच्छा बनता है। 2.5 इंच चौड़ाई हो गई। अब गले की लंबाई लो आप 6.5 इंच। लंबाई आगे से थोड़ा सा डिजाइन का गला बनाएंगे। तो आपको ऐसे करना है। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये तो हमारा आगे का गला देखो। पीछे ही गले की कटिंग करेंगे आप। वही चौड़ाई रख लो 2.5 इंच की। और पीछे का गला लेना है हमें 7 इंच का, चौकोर गला बनाना है। इसी पट्टी पे काटना है। ये हमारा चौकोर गला हो गया। अब इसे हम प्रेस से चिपकाएंगे। कपड़ा ले लो आप बचा हुआ इसका। ये इतना कपड़ा ले लो आप। देखो इस साइड पर से चिपकाना है। तो ऐसे रखो आप, ऐसे रख लो कपड़े के ऊपर इसको। दोनों को रख लेंगे। ये प्रेस हमारी गर्म हो गई है, अब इसको चिपका देंगे ऐसे। सही ढंग से आपको चिपकाना है। इसके जो चिप लगी हुई होती है वो कपड़े की साइड करना है, प्रेस की साइड नहीं, नहीं तो प्रेस के चिपक जाएंगे। ये देखो दोनों गले चिपक गए हैं। अब इसको हम बना लेंगे सूट के लगा के।